सो गाइस, आपने आईफोन के ग्रीन लाइन इशू के बारे में तो सुना ही होगा, ग्रीन स्क्रीन के बारे में सुना होगा। ये इशू आईफोन 13 और बहुत सारे फोन्स में आ रहा था, लेकिन अभी आईफोन XR में भी, मतलब कि LCD डिस्प्ले वाले फोन्स में भी, जो कि आईफोन्स हैं, उनमें भी यहाँ पे इशू आने लगा है, और वो इशू आने लगा है ब्लैक लाइन का। तो उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, एंड आपके भी आईफोन XR 11 इन सब में आ सकता है ये इशू। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना है, एंड अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, जितना मेरे को पता चला है तो ये ब्लैक लाइन का इशू आ रहा है अभी आईफोन XR में। बस कुछ दिन पहले मेरे को एक और बंदा बोल रहा था, तब मैंने इग्नोर कर दिया कि भाई एक ही बंदा आके बोल रहा है और ना ही कमेंट्स आ रहे हैं ना ही कुछ आ रहे हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे एक और बंदा आके मेरे को बोला, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि शायद ये XR में अभी इशू चालू हो चुका है कि ब्लैक लाइन वगैरह आ रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले तो ये ब्लैक लाइन कैसी आ रही है हॉरिजॉन्टल में, एंड ये XR ही है भाई, ध्यान से देख लो आप, XR ही है ऊपर नीचे तक। और ये मेरे दो सब्सक्राइबर भाई के साथ में हुआ है, तो पता नहीं और भी ज्यादा लोगों के साथ में शायद हुआ होगा। और ये हुआ कैसे ये अभी आपको मैं बताता हूँ। तो हमारे जो सब्सक्राइबर भाई है वो बोल रहे थे कि दो दिन पहले उन्होंने अपडेट किया था अपने आईफोन XR को, तो यानी कि अभी iOS 18.0.1 चल रहा है उनका, और इस अपडेट पे ही इशू हो रहा है ये। और जो पहले बंदा आके मेरे को बोला था ना, करीब एक या दो हफ्ते पहले आया था वो बंदा, तो वो अभी यहाँ पे iOS 18.0.1 पे ही अपडेट कर रहा था, तब उसका इशू हुआ था। एंड मेरे पास भी आईफोन XR है अगर आपको ना पता हो, लेकिन मेरे XR में अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है। और उन दोनों बंदों का ऐसे ब्लैक लाइन इशू हुआ आईफोन XR में कि पहले दिन तो जब अपडेट किया उसके बाद सही था बिल्कुल फोन, मतलब कहीं भी ब्लैक लाइन वगैरह नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन छोड़ के ब्लैक लाइन वगैरह आना चालू हो गई। दोनों ही केसेस में ऐसा हुआ, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इन भाई को यहाँ पे एक दिन छोड़ के आई थी, और जो पहले बंदा मेरे पास आया था उसको दो या तीन दिन छोड़ के आई थी। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आप भाई आईफोन XR पे हो ना और आपने iOS 18.0.1 को अपडेट नहीं किया है, तो भाई अपडेट करो भी मत, क्योंकि ये इशू अभी होने लग गया है, और क्या पता अचानक से बहुत ज्यादा लोगों को होने लग जाए। अभी तो ये बस कुछ कुछ लोगों को ही हो रहा है, और आईफोन का भाई कुछ नहीं पता होता, ग्रीन स्क्रीन इशू भी पहले एक दो का ही हो रहा था, लेकिन अचानक से हजारों बंदों को होने लग गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, वैसे डरने की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए अपने को। और अभी फिर से कुछ कुछ बंदे आके कमेंट में बोलेंगे कि भाई फेक वीडियो मत बनाओ, मेरा तो नहीं आया तो इन लोगों का कैसे आ गया। तो भाई कुछ चीजों को ना मानना सीखो। अब यहाँ पे मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ फोटोज, तब भी कुछ कुछ बंदे नहीं मानेंगे, तो भाई इनको तो मैं क्या ही बोलूं, मंद बुद्धि इंसान है सब। एंड अभी XR के भी हालात उतने सही वगैरह नहीं है, मतलब भाई मैं सही बताऊँ ना, BGMI तो यहाँ पे बिना गेमिंग कूलर के चलता ही नहीं है आईफोन XR में, और तब भी बंदे नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आईफोन XR ले ले क्या, आईफोन XR ले ले क्या। तो देखो एंड्रॉइड फोन से बिल्कुल सही है, जो कि 15-20 हजार में एंड्रॉइड फोन आते हैं, तो उनके मुकाबले में तो आईफोन XR बिल्कुल सही है, लेकिन भाई आप बिना गेमिंग कूलर के नहीं खेल पाओगे आईफोन XR में। और इतना ज्यादा यहाँ पे लैग करता है ना XR में BGMI, मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप 5-7 हजार के फोन में खेल रहे हो, ऐसा लैग करता है आईफोन XR। बट अगर आप PUBG मोबाइल खेलोगे ना, तो उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं होता, क्योंकि PUBG मोबाइल बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है आईफोन के लिए, आईफोन XR के लिए। लेकिन BGMI ऑप्टिमाइज नहीं है, और अभी इंडस बैटल रॉयल आया, वो भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं है, और इंडस बैटल रॉयल भी बहुत ही गंदा लैग कर रहा था। मैं आपको गेम प्ले भी दिखा सकता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके गेम प्ले देख लेना उस वीडियो में, उसमें भी आप देखोगे ना तो भाई इंडस बैटल रॉयल बहुत ही गंदे तरीके से लैग हो रहा है। तो ये दोनों ही गेम भाई ऑप्टिमाइज नहीं है, नहीं BGMI नहीं इंडस, एंड इसी वजह से आईफोन XR, आईफोन X, आईफोन XS और इवन आईफोन 11 में भी ये सब गेम बहुत ही लैग करते हैं, जो कि अनऑप्टिमाइज्ड है। और पहले इसमें हीटिंग इशू भी नहीं था आईफोन XR में, लेकिन अभी 5 मिनट भी गेम खेलो ना तो यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। और इसके भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई आईफोन XR बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो भाई वो हीट करेगा ही करेगा, क्योंकि भाई पता नहीं क्या ही सीन है उसका। और मेरे हिसाब से तो भाई अब XR बिल्कुल खत्म हो चुका है, XR लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपका बजट कम है ना, तो भाई आईफोन 11 लो मिनिमम, या फिर आईफोन 12 लो, तभी आप अच्छे से खेल पाओगे, वरना भाई आपको दिक्कत तो होगी ही होगी बिना गेमिंग कूलर के। और अब तो बजट गेमिंग कूलर्स भी आ चुके हैं, मैंने 1000 रुपए के अंदर गेमिंग कूलर्स बताए थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अभी आई बटन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना अगर आपके पास में ज्यादा बजट नहीं है। 700-800 रुपए में भी आपको बढ़िया गेमिंग कूलर मिल जाएगा इजिली। और एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछे थे कि भाई iOS 17 बेटर है या फिर iOS 18 बेटर है। तो देखो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं पिछले 4-5 साल से iOS का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे iOS अपडेट्स आते हुए देखे है, पहले iOS 14, फिर 15, 16, 17 और अब 18। तो मैं सही बताऊँ ना, तो 15 और 14 तो एकदम सही थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसमें, लेकिन जब iOS 16 और iOS 17 आए ना, तब भाई बहुत इश्यूज थे इन दोनों ही अपडेट्स में। हालांकि बाद में यहाँ पे इश्यूज वगैरह फिक्स हो गए थे iOS 16 के और iOS 17 के, लेकिन तब भी जब पहले पहले ये दोनों अपडेट आए थे iOS 16 और 17, तो बहुत ही ज्यादा इश्यूज थे। लेकिन iOS 18 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, iOS 18 पहले ही अपडेट जो आया था ना, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ था, और बीटा टेस्ट भी मैंने किया था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा था, और अभी तक भी मेरे को iOS 18 में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो भाई iOS 17 और iOS 18 में iOS 18 ज्यादा बेटर है। बट XR यूजर्स को मैं बोलूंगा कि भाई 18.0.1 पे मत आना, क्योंकि आपका
ब्लैक लाइन इशू हो सकता है। और एक और चीज है, जो लोग पूछते हैं कि भाई आईफोन एक्सर बाय करे या फिर ना करे, तो मैं बोलूंगा कि भाई बाय मत करो। क्या ही करोगे भाई बाय करके, इतना ज्यादा तो लैग करता है ये, गेमिंग कूलर के साथ में भी कभी कभी लैग कर जाता है। एंड यही था हमारी इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और नई वीडियो में। यहां देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।